यूक्रेन टुडे आपने उसको एम्युनिशन नहीं दिया, उसको जहाज नहीं दिया, वो बेचारे अगर जी रहे हैं इनोवेशन पे जी रहे हैं, स्टार्टअप्स के बिना यूक्रेन वुड हैव बीन डेड। एआई इज गेटिंग स्मार्टर, इट इज गेटिंग इमोशनल, अ टाइम विल कम व्हेन एआई विल नॉट लिसन टू यू, इट विल सीड कंट्रोल। अल्टीमेटली दे से एआई विल बिकम स्मार्ट, वो इतना स्मार्ट होगा कि से अ बैड जनरल लाइक मी गिव्स एन ऑर्डर यू गो एंड किल 10 मिलियन मैन, एआई विल से सॉरी जनरल जो आपके ऑर्डर हैं उसमें दानिशमंदी नहीं है, मैं सोचूंगा क्या करूं। एआई विल अटैक सीएस, इट विल अटैक लॉयर्स, इट विल अटैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो बिल्कुल एक बड़ी एक राष्ट्रीय सुरक्षा में चुनौती है। वी शुड केयरफुली सी, अगर चाइना एआई में आगे जा रहा है हमको भी आगे जाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। आज हमारे साथ हैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर, वेरी वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कर्टियस टू कम अगेन। ग्रेट प्लेजर, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। सर एक तो सर वो बहुत पिछली बार वाले वीडियो में हर कोई वो सैम और सगत वाला जो था वो मतलब मोस्ट यू नो डिमांडेड वीडियो है, उसमें क्या हो गया कि आपके पिताजी की का स्वास्थ्य जी चुनौतियाँ आ गई, बट अभी हम ये करते हैं अगले में पक्का करें सैम सगत। फिर जैसे पहले हमने ना वो एआई साइबर बड़े अच्छे विषय हैं इस पर बातचीत। सर 2015 में प्राइम मिनिस्टर, 2014 में इलेक्ट हुए थे द करेंट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 2015 में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ एक अपना रोड मैप दिया था फॉर मिलिट्री रिफॉर्म्स, जिसके बारे में आपने अपने आर्टिकल के बारे में भी लिखा, जो कि स्क्रीन पे हम अपने व्यूअर्स को वो आर्टिकल दिखाते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे जो लोग पढ़ना चाहें। सर वो जो रिफॉर्म्स की सर जो एक डिस्क्रिप्शन था वो, और आज जब आप 8-9 साल के बाद व्हेन यू लुक बैक, हाउ मच ऑफ इट हैज़ बीन अचीव्ड, या वो कितनी चीज़ें हैं जो उस डायरेक्शन में उसकी फाउंडेशन चली गई है, जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन या नेशनल सिक्योरिटी की हम बात कर लें, नेशनल सिक्योरिटी पहले तो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं थी, तो डू वी नाउ हैव अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन और नॉट? तो देखिए जो आपने ये बात कही ना, मेरा ये मानना है कि जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा है वो एक विशाल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एंड लेट मी से दिस, मैं बोलूंगा एंड लेट्स डिस्कस इट, इफ यू डोंट एग्री विद मी क्वेश्चन मी, आई एम सेइंग दे आर परहैप्स द बोल्डेस्ट एंड मोस्ट फार रीचिंग रिफॉर्म्स इन नेशनल सिक्योरिटी, सो आई एम सेइंग इट इज अ प्रोफाउंड नेशनल सिक्योरिटी मेकर। उसकी एडिफिस डल चुकी है, बट बिकॉज हमारे सामने चुनौतियां भी हैं लाइक चीन, कैरेक्टर ऑफ वॉर। देखिए मैं आपको एक कोट देता हूँ जनरल मार्क मिली का, ही सेज जो कैरेक्टर ऑफ वॉर है उसकी जो तब्दीलियाँ हैं दे हैव बीन मोस्ट प्रोफाउंड एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मैं उनसे सहमति रखता हूँ, जो यूक्रेन में जिस तरह से टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो रही है तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, बट आगे भी जाना है। सो आई मेक बोथ पॉइंट्स, व्हाई डू आई मेक द फर्स्ट पॉइंट, अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं तो हम में वो ऊर्जा नहीं होगी आगे बढ़ने के लिए। सो वी मस्ट ग्रैस्प बोथ द चेंज एंड द चैलेंज, मेरा ये मानना है। और इसलिए आज थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ी सी विस्तार में कि भाई हुआ क्या है। मैं इसको जो मैंने कहा, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे महत्वाकांक्षी सुधार, द मोस्ट एम्बिशियस रिफॉर्म्स, और दोनों चीज़ों में सोच के जरिए से और कार्यान्वयन के जरिए से, सो नॉट ओनली थिंकिंग बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन, और जैसे मैंने कहा विश्लेषण के तौर पर और तत्वों के आधार पर इस पर बात करेंगे, एनालिसिस एंड फैक्ट्स। और जो इसके परिवर्तन के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर बात करेंगे, एक चीज़ ये था। और दूसरे विषय पर जो जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, वो इसी का एक पहलू है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे, अगर रूस इफ इट इज बैक इन द गेम, रूस हार रहा था अब पुनः विजय की ओर शायद बढ़ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था इट इज प्रूवन टू बी बेटर देन द अमेरिकन्स। द अमेरिकन्स ने अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निग्लेक्ट किया तो उनका क्या हाल। अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शन, जब वो ये बात करते हैं आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस, ही इज टॉकिंग अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, राइट? उसमें बुनियादी चेंज के बिना
आप एक शक्तिशाली सेना नहीं बना, सेना बना ही नहीं सकते. सो दैट इज वाई दीज टू एस्पेक्ट्स वी हैव टू सी कि भाई आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस वाई इज इट सो सेलियंट. और जो दूसरी बात है रिफॉर्म्स, एक और चीज़ मैं छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा. देखिए मैं कहीं आई थिंक जयशंकर साहब ने कहीं कहा था, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है कि 2070 तक 2070 तक चाइना और चीन और हमारी इकोनॉमी दोनों $50 बिलियन की. ओके आज हम $50 trillion अभी हम $3 trillion की इकोनॉमी है. तो 3 से अगर हम 50 बढ़ेंगे तो जो हमारी सेना का जो कैरेक्टर और प्रोफाइल है, चरित्र और पर्थचित्र, वॉट एवर प्रोफाइल आई थिंक इज पर्थचित्र, दोनों में सुधार करना पड़ेगा. इफ़ यू फ्रॉम सिक्योरिंग अ $3 trillion इकोनॉमी टू $50 trillion इकोनॉमी हैज़ टू चेंज. सो रिफॉर्म्स हैव टू बी कॉन्स्टेंट 3 से 50, और उसकी शुरुआत अगर अभी नहीं की तो हम कब करें. इस संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सर एक सेकेंड, सर आप कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. अब सर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ओवरनाइट तो बनते नहीं है. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका में भी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, या बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन हो, मैकडोनल्ड डगलस हो, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी, ये सारी की सारी, इनको बनने में कई दशक लगे हैं, 100 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है. और उसके बाद बहुत सारे इनमें कंपनियाँ वो हैं जो स्टेट ने मर्ज करा दी आपस में, सो दैट अ बिगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अ बिगर एंटिटी कुड कम अप. डोंट यू थिंक कि जब हम ये बात करते हैं कि हम ये डेवलप कर रहे हैं इंडिया में, कर लेंगे, तो इट इज़ नॉट एम्बिशियस बट ओवर एम्बिशियस एट द सेम टाइम. चाहे एम्बिशियस हो या ओवर एम्बिशियस हो, अनिवार्य तो है. कौन करेगा आपके लिए? आप देखिए अमेरिका की आप मिसाल दे रहे थे, उन्होंने तो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसका बना हुआ था, उसको निग्लेक्ट किया. उसका फलस्वरूप देख लीजिए, शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टुडे अमेरिकन्स आर एडमिटिंग कि साहब चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज 5 to 6 times बेटर, मतलब फास्टर, मोर एफिशिएंट. अभी आप देख लीजिए रूस का बहुत बढ़िया उदाहरण है. अभी अमेरिका जब जागा है, उसने कहा है आर्टिलरी एमिनिशन दे वॉन्ट टू स्टेप अप प्रोडक्शन. सो आई थिंक देयर फिगर दे आर सेइंग कि 1.25 मिलियन आर्टिलरी राउंड्स पर मंथ कब तक कर पाएंगे? 2025 तक. रूस की क्या क्षमता है आज? 5 मिलियन राउंड्स अ मंथ. अद्विक्ता में जो अभी जो बड़ा शहर है जिसमें यूक्रेन की हार हुई, रशिया जो था वो 10,000 आर्टिलरी म्यूनिशन रोज दाग रहा था, यूक्रेन के पास सिर्फ 2,000 थे. तो यूक्रेन में वीरता की कमी नहीं थी, देवर नॉट दैट देवर यू नो नॉट वेलियंट, दे डिडंट हैव एमिनेशन. कैन दे बी एनी मोर ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? इसलिए जब प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस, वी रियली डिडंट ग्रास्प इट. एक बार उन्होंने ये भी बोला कि भाई आप ये विलायती खिलौनों से खेलना बंद कर दीजिए. ही इज टेलिंग यू प्लीज बी सेल्फ रिलायंट, और इन क्राइसिस यू विल नॉट गेट एमिनेशन. अमेरिका के पास एमिनेशन नहीं है. वी कैन गिव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस इज दैट टेक्नो मिलिट्री इकोसिस्टम. उसको बनाना पड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा, और जो बुनियादी जो उस परिवर्तन है उनकी शुरुआत हुई. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी तो एक लंबा रास्ता तय करना है. सर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हम गांधी का देश है, तो गांधी का देश जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? आप उसको नाम कुछ देते हैं. मेरा ये मानना है वसुदेव कुटुंबकम हम सब मानते हैं, उसमें वर्ल्ड वन फैमिली, वेरी गुड कॉन्सेप्ट. साथ में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, ही सेड दैट द वर्ल्ड इज बट वन जिम्नेजियम वेयर नेशंस कम टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रांग. भारतीय परंपरा दोनों की है कि व्हाइल वी वांट वसुदेव कुटुंबकम, हकीकत क्या है उससे भी हम उससे हम वो जागरूकता भी हम में है. तो वी शुड माई व्यू नॉट कोट सेलेक्टिवली. वी आर केपेबल ऑफ सॉफ्ट बींग अ सॉफ्ट पावर एंड ऑल्सो हार्ड पावर. और आई एम सेइंग व्हाई सॉफ्ट और हार्ड, लेट्स बी अ कॉम्पिटेंट स्टेट. पावर इज नॉट बैड, बट पावर हैज टू बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ, रिस्ट्रेंट के साथ. पावर होने में कोई ये आई डोंट सी. गांधी जी की भी जब बात करते हैं, गांधी जी
ने अहिंसा की बात की इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कंडीशन. गांधी जी टुडे में नॉट हैव, इफ गांधी जी न्यू व्हाट द थ्रेट अगेंस्ट चाइना वाज, ही वुड नॉट हैव परहैप्स स्पोकन लाइक दिस. इन एनी केस, अगर हमें कोट भी करना है तो बिल्कुल वसुदेव कुटुंबकम भी या स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, या गुरु तेग बहादुर, बल होए बंधन छूटे सब कुछ लगे उपाय, व्हेन शैकल स्नैप्स स्ट्रेंथ अक्रूज एवरी मूव सीम्स अ स्ट्रेटजम. सो पावर इज नॉट बैड, पावर मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबल. सर, आउट ऑफ दीज रिफॉर्म्स लेट्स टॉक कि जो कुछ इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर ने लिए हैं टुवर्ड्स दीज रिफॉर्म्स, कैन यू एक्सप्लेन अ फ्यू विच हैज बीन लाइक, जो कि कहते हैं ना कि एक टर्निंग मोमेंट हो या इस टाइप के कुछ हो? तो मैं क्रमवार चलूंगा कहानी के तौर पे, और जब आपको इंटरप्ट करना है आपका, तो मेरा मानना ये है कि ये जो सुधार है इसका जो भव्य रणनीतिक आधार था या रूपरेखा, इंग्लिश में द राइट वर्ड इज ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री, वो जो उनका संबोधन था दिसंबर कंबाइंड कमांडर्स, उसमें सब कुछ मौजूद है. एंड देयरफॉर आई से आप कह रहे थे दैट इज टू बी इट अपीयर्स टू बी अ वर्चुअल ग्रैंड स्ट्रेटेजी, ही इज टेलिंग यू व्हाट यू शुड डू. और 2015 का संबोधन, अब उसमें देखिए क्या बातें थी. उन्होंने जो सुधार का आकार था उस संबोधन में आप पाएंगे, और दो चीज़ें थी, वो न केवल काल्पनिक था बट दूरदर्शी भी था. इट इज इमेजिनरी एंड इट इमेजिनेटिव, सॉरी नॉट इमेजिनरी, इमेजिनेटिव एंड विजनरी. एंड द अदर थिंग इज टू अ मिलिट्री माइंड व्हाट अपील्स टू मी, उसमें अद्भुत स्पष्टता थी, क्लैरिटी ऑफ पर्पस. And now you read it and you will see what I am saying. क्या उन्होंने उसमें देखी, दो तीन बातें जो एकदम नई की उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की. उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बात की, विच इज़ की जो हमारा जो सामरिक दृष्टिकोण है उसमें एक नया सामान्य न्यू नॉर्मल्स इन आर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, उसका उन्होंने जिक्र किया. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो संरचनात्मक सुधार है लाइक थिएटर कमांड्स, उसके बारे में भी बात करेंगे. टेक्नोलॉजिकल रिवैम, तकनीकी सुधार. फिर उन्होंने कुछ बात की जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी, ही स्पोक ऑफ कल्चरल ट्रांजिशंस. अब वो क्या है, वो ये कह रहे हैं कि साहब नेशनल सुरक्षा जो है वो एक बहुत जटिल विषय है, इट्स कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड. So now you just don't need platform acquisitions, you need new talent pipelines. So you pivot from merely platform acquisitions to talent pipelines, startups. You jo encourage kar rahe hain best minds to come into national security. Only then will your national security move to a new level. Unhone isme ye bhi baat ki na, capacity upgrades, institutional upgrades, aur ek aur unhone badi baat ki. For the first time, I've heard an Indian Prime Minister talk of power projection, shakti prakshep. Now this is absolutely new. What is he saying? He says the forces must prepare themselves in range and mobility to protect Indian interests across the globe. Ye sab usme nayapan tha. Ek last cheez main bolunga, fir aap ek kuch sawal puchna cha rahe the. To meri samajh mein is sambodhan mein ek nayi shaili aur saar. There was new style and substance. Misal ke taur pe पहली बार मैंने किसी को बोला, ही इज टेलिंग अस और टेलिंग द आर्म फोर्सेस थॉट लीडरशिप के बारे में, विचार नेतृत्व कैसे पैदा करना जरूरी है और क्यों. मैं आपको कोट कर रहा हूँ पैराफ्रेज इंग्लिश में, ही सेज कि वी हैड इनफ मेनी कमांडर्स हु हैव बीन वेलियंट एंड ब्रेव, वी नाउ नीड थॉट लीडर्स हु कैन ड्राइव चेंज थ्रू द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम. सो ऐसा विचार नेतृत्व जो कि ये जो संपूर्ण परिवर्तन है ये ला सके, ये उन सब चीज़ों में था. बट उसमें मेन चीज़ ये है कि देखिए जैसे ये निकला, हम सब ने बात की इसके बारे में. अब ये जो सब रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, ये इतने विशाल थे, इतने महत्वाकांक्षी थे कि संदेह पैदा हो गया. हमने कहा तो अब हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले कभी हुआ ही नहीं था, और जब भी अटैम्प्ट हुए थे दे वर स्टिल बॉन्ड. नरेश चंद कमेटी, 5 साल आपने CDS बनाया और 5 साल सब कुछ किया कि ना बने. अब इस पूरे एटमॉस्फेयर में व्हेन यू टॉक सो बिग, संदेह सबको था. आई हैव माय सेल्फ थॉट इट विल नेवर हैपन,
वॉट इज डिफरेंट दिस टाइम? और फिर जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे अमल शुरू हुआ, किश्तों में, इन ट्रांशेस, बट इन रेगुलर इंटरवल्स, डॉजेड रिजॉल्व एंड रिपीटेडली. क्या हुए ये 7-5 चीजें हैं? CDSDMA, न्यू नॉर्मल्स इन अ स्ट्रेटेजिक आउटलुक, DRDO रिफॉर्म्स. हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि DRDO रिफॉर्म्स हो जाएंगे, OFP रिफॉर्म, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. स्टार्टअप का हमने नाम नहीं सुना था. नाउ पुट ऑल दिस टुगेदर, और फिर इसके हम इसके बारीकियों में भी जाएंगे. इट इज एब्सोल्यूटली गेम चेंजिंग टू थिंक ऑफ इट इन 2015 एंड नाउ पुश इट थ्रू. तो सोच और कार्यान्वयन में, दोनों में, नाउ यू गो बैक टू व्हाट आई सेड, मोस्ट एम्बिशियस सिंस इंडिपेंडेंस. दे वर पुट इन दैट पैकेज, थॉट थ्रू, एंड नाउ दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड वन बाय वन बाय वन. मेरे समझ में बिल्कुल ही, दे बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हैं, मोस्ट एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी. हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर. इसमें दो पॉइंट, एक तो सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात तो सर सारे ही करते हैं. मतलब मैं सर जब से मैंने होश संभाला है, मेरे होश संभालने के बाद से आज तक मैंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो मतलब हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में, दे ऑल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. बट सर इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ऐसे थिएटर कमांड है, दैट वाज वन ऑफ इट. CDS वाज वन ऑफ इट. अग्निवीर वाज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. अब सर अग्निवीर को लेकर के अभी एक इंडिया के पॉलिटिकल लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया नॉर्थ ईस्ट में कि जो चाइनीज सोल्जर है, वो चाइनीज सोल्जर वो ट्रेनिंग लेके आता है 2 साल की 4 साल की, वो 4 साल की ट्रेनिंग लेके आता है, और हमारा जो अग्निवीर है वो जाता है 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग करके. तो जो चाइनीज सोल्जर होता है, जब वो मरता है उसके घर वालों को पेंशन मिलेगी, उसके घर वालों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, चाइनीज गवर्नमेंट जो है उसको वो हेल्प करेगी. हमारा अग्निवीर जब मरेगा वहाँ पे, तो उसको ना फैमिली को पेंशन मिलनी है, ना उसको कोई फैमिली को कोई सपोर्ट मिलनी है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी है. तो जब हम लड़ेंगे, एक तो ट्रेनिंग भी आपने कम कराई चाइनीज सोल्जर से, ऊपर से आपने उनके लिए कॉम्पनसेशन भी कुछ नहीं रखा है, तो कौन लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? सो दिस वॉज द ओवरऑल ओपिनियन. तो क्वेश्चन मार्क सर अग्निवीर के ऊपर, सर इंडिया की जो मेन अपोजिशन पार्टी है सर, वो खुद उठा रही है. डेमोक्रेसी है, सवाल उठाना सबका हक है, तत्वों के आधार पे क्या है. पिछले महीने मैं अपनी यूनिट गया था 61 मीडियम. यस. वहाँ 2IC ने मेरे को बताया कि सर ये जो आए हैं 80-90 लड़के, दे आर फार बेटर देन व्हाट वी हैव गॉट इन द पास्ट. और रीज़न है उसमें, क्योंकि नाउ दी अग्निवीर में, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपके शो पे, कि उसमें जो 3 रिफॉर्म्स हुए, इनटेक में, ट्रेनिंग में और एग्जिट में. इनटेक जो प्रोसेसेस हैं उसमें कोशिश हो रही है कि उसमें बेहतरी आए. सो अग्निवीर इज जस्ट नॉट दिस, जो ये जो 2-3 बातें आपने बताया, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड एग्जिट. यूनिट लेवल पे क्या हो रहा है, हमको सबसे बड़ा कंसर्न ये है ना, वो जो यूनिट लड़ेगी, भाई CO को 100 लोग आ रहे हैं, उसको ये हक है चुनने का कि कौन 50 रखे जाएंगे और कौन 50 छोड़ जाएंगे. पहली बात, अभी उस 75-25 नहीं, इट इज 50-50 जो मेरी इनको यूनिट में बताया. आप बताइए, मेरे पास 100 अच्छे लोग आते हैं, 50 आप रखते हैं, 50 जा रहे हैं. अब जो 50 आपने रखे वो तो बेस्ट हैं, दे आर बेटर देन द पास्ट क्वालिटी वाइज. नाउ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इवन द चीफ मिनिस्टर डजंट गेट टू चूज हिज DMs, दे आर सिलेक्टेड बाय द UPSC. हियर दिस, यू आर सिलेक्टिंग देम डायरेक्टली एक एक करके. दूसरी बात भाई, ट्रेनिंग क्या है उनकी? उनकी 6-9 महीने ट्रेनिंग वहाँ पे है, यूनिट में आ रहे हैं, वहाँ भी ट्रेन हो रहे हैं. वो ऐसे होते हैं कि वहाँ ट्रेनिंग बंद हो जाती है. अभी जो आप स्पेसिफिक मिसाल बता रहे हैं चीन की, आई नीड टू चेक, बट सी आई वाज आर्मी कमांडर आउट राइट. जब हमने दुनिया भर की आर्मीज को देखा कि उनकी ट्रेनिंग की अवधि क्या थी, किसी की 20 हफ्ते से ज़्यादा नहीं थी. हमारे यहाँ क्या हो रहा था, कई उसमें आप एक ट्रेन ड्राइवर लेते हैं और उसको फिर 2 साल ड्राइविंग सिखाते हैं. सो दीज आर कलोनियल प्रैक्टिसेस. हम कब कह रहे हैं कि हम उसको एकदम जड़ से उठा देंगे? जो प्रैक्टिसेस में खामियाँ थी बस उनको निकाल रहे हैं. भाई इनटेक आपके हाथ में, बेस्ट क्वालिटी. अच्छा, आप बात बाकी बात छोड़, फौज को तो बेस्ट 50 मिल रहे हैं, तो फौज की कॉम्बैट एफिशिएंसी कैसे कम हुई? अभी आपको चिंता है कि साहब जो 50 बाहर जा रहे हैं, अभी आप बताइए जो 50, उनकी भी 5 साल ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, वो 50 फाइनली उसको वो नहीं रहता है उसमें.
अब वो तीन आदमी मान लीजिए हिसार पहुंचे, एनी स्मार्ट कंपनी विल इट नॉट पिक अप दीज थ्री हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर 5 years इन द आर्मी, ही हैज ऑल्सो गॉट रिजर्वेशन 10% यहाँ 15% वहाँ, वो आर्मी की जिम्मेवारी है वो होगा। उसके बाद तो ये जो पूरा जो स्केप्टिसिज्म है तत्वों के बुनियाद पे बिल्कुल ही अच्छा। फिर आपको एक छोटा सा एडवांटेज और भी है कि नाउ यू आर गेटिंग ट्रेन्ड मैन पावर इनटू अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इफ आई एम ओनिंग अ प्राइवेट कंपनी, क्या मेरे को नहीं पसंद होगा कि मैं, तो मैं बता रहा हूँ क्या है? ये दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एनीवेयर। एनी चेंज स्टेटस कोइज्म मैस्कुरेड्स एज हाई प्रिंसिपल, कि भाई बड़ा सिद्धांत, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, भाई आर्मी है यार, इफ देयर आर जो छोटी मोटी खामियां हैं दे विल कांस्टेंटली बीइंग रेक्टिफाइड। अच्छा, यू प्लीज टेक डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम यूनिट्स नाउ। आई हैव टेकन एंड आई कैन गिव यू अदर एग्जांपल्स। वन ऑफ माय अदर फ्रेंड्स रैंक मी अप व्हेन आई एम इन द यूनिट। सो ये जो शंकाएं हैं ये बिल्कुल दे हैव नो बेसिस इन माय व्यू। तो सर मतलब ये जो कंपैरिजन है कि उसको चूंकि पेंशन मिलेगी, इसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो दोनों ये ढंग से लड़ेगा नहीं और वो बहुत अच्छे से लड़ेगा बिकॉज उसको पेंशन मिलने वाली है फैमिली को। भाई वो जो 5 साल वहाँ से निकल रहा है वो कहीं और जाएगा, वहाँ से तो पेंशन मिलेगी उसको। अच्छा, इज द आर्मी, इज दिस होल नेशन गोइंग टू सर्वाइव ऑन पेंशन ओनली? ओके सर आपने टैलेंट पाइपलाइन की बात की थी, न्यू टैलेंट पाइपलाइन, स्टार्टअप्स एंड ऑल। सर इसमें हाउ मच चेंज हैव यू सीन इस पर्टिकुलर, इसमें हाउ मेनी न्यू स्टार्टअप्स हैव कम, और ये जो नए स्टार्टअप्स आए हैं इनमें जो टैलेंट आ रहा है बिकॉज डिफेंस रिसर्च में या मैन्युफैक्चरिंग में ये सोर्स कर रहे हैं लोगों को दुनिया भर से, जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट है, जो कि गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस। कि भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज़रा सैलरी आप नहीं दे सकते किसी को, जैसे मतलब ये तो कॉम्प्लिकेशन है। सो इफ समबडी आस्क फॉर कि यार मेरे को तो $10 million सैलरी चाहिए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांट पे हिम। सो आई मीन इसको सर्कमवेंट करने का तरीका यही है। जैसे हम वो कैरेक्टर ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं ना, उसको आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, बड़ी अच्छी मिसाल है। वैलेंटियर का CEO लड़ाई के छिड़ने के 2 महीने बाद वो गए और ज़ेलेंस्की साहब से, ज़ेलेंस्की साहब से उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू फ्री सर्विसेज, जस्ट अलाउ अस एक्सेस टू योर डेटा। नाउ ही इज यूजिंग दैट डेटा, गिविंग देम फ्री सर्विसेज देयर, और उसके आधार पे वो कोई अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहा है। एलॉन मस्क नेशनल सिक्योरिटी में आ गया है। एक वो हेलसिंग कंपनी है, हेलसिंग करके, AI में इन यूक्रेन इट हैज बिकम अ यूनिकॉर्न। बड़ी मिसालें हैं इंडिया में, आप देख लीजिए 114 AI, थर्ड आई टेक, समीर जोशी, ये मेरे पास आए थे यार, इनके पास दे वर स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स। लुक एट देम, मैं पहले बता चुका हूँ, एक कंपनी कोई US Spacecom के साथ है स्टार्टअप, दूसरा जो स्टार्टअप है वो प्रेडेटर डील में मिल रहा है, समीर जोशी को अलग से ऑर्डर्स मिले। इनसे आप पूछिए इनकी क्या जिंदगी नहीं बदली हुई, क्या हमको फ़ायदा हुआ, बड़ा फ़ायदा हुआ। स्टार्टअप्स आप जाइए, आई थी दिल्ली में, इन कंपनीज ने 90 IT इंजीनियर्स हायर किए। इज दिस नॉट टैलेंट? और रीज़न ये है कि भाई ये जो ड्रोन्स, AI, ये जो नए फील्ड्स हैं, दिस कैन नॉट बी डन बाय ऑर्डिनरी इंजीनियर्स, यू नीड हाई क्लास इंजीनियर्स। यूक्रेन में इनोवेशन जो साइकिल्स हैं उसके फलस्वरूप प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिलीवर्ड 6 महीने में, जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट साइकिल्स हैं 6 साल में प्रोडक्ट्स आते थे, ये हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, ये सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं, इट इज़ अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। ईरान कंट्री अंडर सैंक्शंस, शहजाद ड्रोन्स, वो एक उन्होंने फैक्ट्री खोली है ततरस्तान में रशिया के साथ, लो कॉस्ट ड्रोन्स क्यों खोली है? उनको पूरा जो यूक्रेन की लड़ाई का जो डेटा है मिल रहा है, उन डेटा से वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। और 7 अक्टूबर को वही शहजाद ड्रोन्स ने क्या किया इसराइल में। सो व्हेन यू गेट शार्प गुड माइंड्स दे विल सेंस द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले हमारा क्या था? नेशनल सिक्योरिटी, हम बताएंगे कौन आएगा, हम करेंगे। फिर PSUs हम ले आए, हमने PSUs को हमने ही मारा है बिकॉज मीडियोक्रिटी कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये जो अगेन आई एम कोटिंग द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही सेज, इस बार आत्मनिर्भर डिफेंस में क्या डिफरेंस है? लिबरेटिंग द फोर्सेज ऑफ इनोवेशन, एनर्जी एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। दिस इज द न्यू फेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज द न्यू फेस ऑफ आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस। अभी आगे हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, Should India be a defense powerhouse? Yes. Well, today, विश्व की जो सबसे बड़ी 20 defense majors हैं,
कॉर्पोरेट मेजर्स इन डिफेंस, 7 आर चाइनीज, कैसे हम उनका मुकाबला करेंगे अगर हमारी कंपनीज नहीं हो। आगे हमको और भी सुधार करने हैं। दीज स्टार्टअप्स हैव टू स्केल अप एंड देन दे हैव टू बिकम नेशनल चैंपियंस। ये साहब की बोइंग की मदद कौन करता है, साउथ कोरियन डिफेंस कंपनी की मदद कौन करता है, सारी सरकारें करती तो ये सब बद्दी होना पड़ेगा, L1 शेल1 ये वो मिलिट्री बिजनेस केसेस। अब जैसे आप इसमें और गहराई में जाएंगे, इट इज़ नॉट जस्ट दीज ऑर्डर्स, इट इज़ ये जो पूरे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस हैं, दे ऑल विल हैव टू चेंज। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये जो मिलिट्री बिजनेस केस की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अभी क्या कर रहे हैं जैसे यूक्रेन वगैरह में, दे आइडेंटिफाई कि भाई ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, ड्रोन्स टू इंजेक्ट मास इनटू द बैटलफील्ड, ओके, ड्रोन्स स्वॉर्म्स टू काउंटर अटैक आर्मर। अब आपने तय कर लिया ये हमने करना है, मैं स्टार्टअप हूँ, मैं आप फौज के हैं, मैंने आपके साथ कहा कि इसके लिए हम डेवलप करेंगे। अब मेरे पास सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस के थ्रू आई विल लिंक अप विद अ अमेरिकन कॉरपोरेट मेजर, और इट कैन बी द अदर वे अराउंड, दे विल डू विद अ स्टार्टअप। अब हम तीनों ने तय कर लिया कि ड्रोन्स हमने बिल्ड करने हैं, ड्रोन स्वॉर्म्स टू काउंटर अटैक आर्मर। नाउ ऑल थ्री आर कमिटेड मींस आई हैव अ गारंटीड ऑर्डर्स, दैट चैप हैज अ गारंटीड इन ऑर्डर्स। इसे अभी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डिमांड सिग्नलिंग, उसके बिना कोई पैसे नहीं डालेगा, वी हैव टू चेंज ऑल दिस। अब जब हम तीनों उस पर कमिटेड हैं, फौज द स्टार्टअप एंड द कॉरपोरेट मेजर, सो यू जो मिलिट्री बिजनेस केस है बहुत जल्दी हमने बांध लिया, अब तीनों उसको डेवलप करेंगे। और जब वो डेवलप हो जाएगी टेक्नोलॉजी, जब वो लड़ाई में दाखिल होगी, व्हेन इट इज कॉम्बैट डिप्लॉयड, ऑर्डर्स प्लेस होंगे उस स्टार्टअप को उसके। अभी क्या होता है कि साहब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, जब कर लेंगे हम देखेंगे, और फिर हम कैसे चुनेंगे, L1। सो दिस टिरनी ऑफ L1 हैज टू गो, दे विल नॉट। तो ये जो सुधार हुए हैं इनको आगे भी ले जाने इन दिस वेरी इमेजिनेशन। सर L1 हट गया है, अभी है वो। ये आप जोर डालेंगे तो हटेगा, अरे मेरे जोर डालने से सर। लेकिन एक मिनट देखिए, सीरियस गेमिंग की बात हो रही है, सी हाउ गेम चेंजिंग इट। मैं जब कर्नल था, सबसे पहले सीडीएस की बात हुई थी, और एक सर्विस चीफ ने बोला, हाउ डेयर यू फ्लैश दिस स्लाइड, वी डोंट रिकॉग्नाइज द टर्म। वहां से सीडीएस बना कि नहीं, कितनी मुश्किल थी। अब रजिस्ट्रेशन कमिटी में 5-5 साल, फिर सैबोटेज, डीएमए, यू नो ये जितनी स्ट्रेटेजिक कमेंट्री होती है, जो आप जो रणनीतिक टिप्पणी है उसका आप इतिहास ले लें, डीएमए अगर आप मेरे को दिखा दें कहीं। हम क्या बात करते थे, एमओडी इंटीग्रेशन, कि भाई कुछ ऑफिसर्स को एमओडी में दाखिल करेंगे, मतलब जो एक मिनट, उसमें भी डिबेट क्या होती थी, हम सिर्फ मेजर अलाउ करेंगे, मेजर नहीं। सरकार ने कहा ये पूरा डिपार्टमेंट आप ले दीजिए, मिलिट्री अफेयर्स, यू आर द सेक्रेटरी, रन इट। क्यों, जिम्मेवारी के साथ। अभी हमने आपको पावर्स दिए हैं, यू वी हैव एम्पावर्ड यू, आपका सशक्तिकरण हुआ है, नाउ ड्राइव चेंज थ्रू द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, लिंक इट टू दैट। दिस इज व्हाट द सीडीएस इज सपोज टू डू, इट्स एन ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ईजी। उसका आप अध्ययन अगर आप करें, मैं बार बार कहता हूँ, इट इज मोर पावरफुल देन बैरी गोल्ड वाटर निकोल्स, विच इज द अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट इन इंटीग्रेशन इन मोस्ट आर्मीज वी नो ऑफ। सर दैट इज व्हाई दीज चेंज आर सो सिग्निफिकेंट। सर सीडीएस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड rank in this country. The office itself is the most misunderstood. And it's because least unknown. Sir, uske bare mein logon ko sir pata nahi hai. People don't know ki what CDS is, CDS ki responsibility. Army chief ki pata hai, naval chief ki pata hai, chief of air staff ki pata hai. But CDS na unka boss hai, inme se kisi ka. He is equal amongst all. But what he is actually doing, nobody knows. सर इसके बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ हमारे व्यूअर्स को सर जरूर बताएं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क ऑफ अ सीडीएस। सी इफ यू एक्चुअली आस्क मी, सीडीएस विल बी द फोरमोस्ट मिलिट्री एडवाइजर, ओके, दैट इज व्हाट इन द अल्टीमेट, जो जो इसका पूरा आकार है उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, ही विल बी द फोरमोस्ट मिलिट्री एडवाइजर, द फर्स्ट पर्सन दैट द प्राइम मिनिस्टर विल टर्न टू फॉर एडवाइस, दैट विल बी द रोल ऑफ द सीडीएस। अभी मैंने आई ऑल्सो नो दैट उस डॉक्यूमेंट में ही डजंट हैव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली ही हैज टू हैव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए, आप अमेरिकन सिस्टम भी कोट करते हैं, लोग गलत उसको कोट करते हैं, कहते हैं साहब चेयरमैन जेसीएस डजंट हैव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो व्हाट द लॉजिक टू देयर इज,
ही चेयरमैन JCS हमेशा उसको ऑपरेशन प्लान्स के बारे में पता रखता है, लेकिन उसको बोला जाता है कि साहब आप इनको बनाए ना, बिकॉज इफ़ यू मेक द प्लान्स यू विल ओन देम, यू विल डिफेंड देम, और फिर आप इम्पार्शियल एडवाइस नहीं दे पाएंगे। तो ये नुएंस की बात है, बट ही नोज ऑल प्लान्स। ऑफकोर्स द कमांड चेन में फ्लो फ्रॉम सेक्रेटरी डिफेंस टू द थिएटर कमांड, हमारे यहाँ भी यही होगा। तो जो थिएटर कमांडर बनेंगे, CDS will have a say everywhere. Ultimately, CDS will sit on all boards of 2 stars who have to become 3 stars. He will define the army or the armed forces. He will integrate them. Dheere dheere wohi ho raha hai. CDS is a very powerful. He is meant to be powerful. Agar wo powerful nahi to fayda kya uska? Banaye kyun humne? He will meant to be powerful in the right way. Ab aap dekhiye, main aapko ye bata dun, theater commands mein ek mota mota jo hai na consensus ban chuka hai. अभी जो बारीकियां हैं, दे आर नॉट इजी टू सॉर्ट आउट, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो पीपल आर गेटिंग इंपेशेंट, बट थिएटर कमांड्स विल हैपन। साथ साथ क्या हुआ बड़ा महत्वपूर्ण, जो डेटा अनलॉकिंग है उसकी शुरुआत हो गई। हम पहले बात कर चुके हैं अपने उसमें, डेटा अनलॉक हुआ है, जब डेटा शेयर होगा, डिजिटल पाइपलाइंस होंगी, उसके बाद ही आपकी जो AI इनेबल्ड मिलिट्री है, मल्टी डोमेन मिलिट्री है, उसी के बाद होगा। उसमें टाइम लगता है, बट हो रहा है वो सब। ऑल दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन get theater commands going to have an AI enabled military mission. Kya aur tezi se hona chahiye tha, bilkul, they should have finished as of yesterday, but it's not easy. Saath mein aur jo cheeze hai na, wo large language models, cloud compute, training mein sudhar, ye sab cheeze ho rahi hain. But aap dekhiye, the big change jo hamari mansik soch thi usko badalna tha. That speech talks of the military to start thinking big. We were discouraged from thinking big. CDS DMA के एक ये बहुत सशक्तिकरण में ये जो ये भी था, the major change was in the CMR philosophy, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की philosophy थी। CMR में ना एक हमारी एक क्या कहते हैं anomaly, विसंगति थी। पहले का सिस्टम क्या था, सिविल कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, होल ब्यूरोक्रेसी वॉज कंट्रोलिंग, सो द मिलिट्री वॉज कंस्ट्रेंड। अभी इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा जो नीति निर्माण है, पॉलिसी मेकिंग, यू आर पार्ट ऑफ इट, यू आर पार्ट ऑफ इट, वी हैव एम्पावर्ड यू, नाउ यू डू द चेंज। इफ यू एक्चुअली आस्क मी, जयशंकर साहब के फादर के CDS विल टाइटन सिविल मिलिट्री कंट्रोल, दिस इज हाउ इट इज टाइटन, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू, आई हैव एम्पावर्ड यू, बट नाउ प्रोड्यूस रिजल्ट्स, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। सो इट इज ऑल नुएंस्ड, इट इज टेकिंग टाइम। बट अच्छा देखिए, पहले क्या था सिविल मिलिट्री कंट्रोल, उसमें क्या था, हमने सबको जो है ना ये भूमिगत कक्षों में बांध दिया था, साइलोस, सिविल मिलिट्री, प्राइवेट, पब्लिक। अब हम क्या कह रहे हैं, सब साथ मिलेंगे, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट मेजर्स, एकेडमिया, IITs, IIMs, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। अब शैली सिविल मिलिट्री फ्यूजन की, ये द वोकैबुलरी हैज चेंज्ड, शब्दकोश। So now all these things, they have happened bit by bit, they have not been pieced together, but you take it back to that. It is a massive change. Main ye kehna chahta hu, it's a huge change. We have to exploit this opportunity. DMA ka ek misal hai. One never thought. I was a member of that committee. Baat hi nahi hui iski. MOD integration ki baat hoti, but wo bada bear tha. Actually game changing. Ye jo fusion ki hum बात कर रहे हैं, और देखिए इट इज़ अनएंडिंग। IDEX शुरू हुआ, IDEX क्यों शुरू हुआ, बिना IDEX के स्टार्टअप्स आ ही नहीं सकते थे। नाउ यू हैव स्टार्टअप्स इन योर सिस्टम, यही स्टार्टअप स्केल अप होंगे, यही बन के कोई नेशनल चैंपियन बनेगा, इसमें से और कहाँ से आएगा। IndusX US के साथ जो आपकी इनोवेशन पाइपलाइंस खुल रहे हैं, आई सेट IndusX में कौन आएंगे, दीज यंग माइंड्स, ये जो स्टार्टअप्स हैं, ITNs हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बिल्कुल हो रहा है ये। Yes, should it pick up scale? बिल्कुल it has to, because the competition is so tough. Ukraine today, आपने उसको ammunition नहीं दिया, उसको जहाज नहीं दिया, वो बेचारे अगर जी रहे हैं innovation पे जी रहे हैं, startups के बिना Ukraine would have been dead. They have done so many innovations in drones, in देखिए private sector की आप बात कर रहे थे, Elon Musk को, Ukrainians ने crew drones का एक कुछ कॉम्प्लीमेंट से बनाया, नेवल फ्लीट सा, विच वॉज टारगेटिंग द रशियन ब्लैक सी फ्लीट इन सेवास्तोपोल, उनको खाली करना पड़ा। एक दिन उनका वो जो था कोई अटैक कर रहे थे, Elon Musk को खबर मिल गई कि ये स्टारलिंक्स के जरिए उसको कर रहे हैं,
तो ही कट ऑफ द स्टारलिंक. सो अब समबडी फ्रॉम द यूक्रेन मिलिट्री रैंग हिम अप एंड सेड यू नो रिस्टोर इट. एलन मस्क ने कहा नहीं, मेरे को रशियन से बात करना है और ये पता करना है भाई उनका क्या रिएक्शन. एंड इफ इट इज एस्केलेटरी आई विल नॉट डू इट. उसने बात की, उन्होंने कहा वी विल एस्केलेट, ही डिनाइड इट. नाउ लुक एट दिस, प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं है क्या? इज ही सीईओ ऑफ स्टार, क्या है वो, स्पेसएक्स, और ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. और उसके फलस्वरूप अब जो स्टार लिंक है, एक्सपीरियंस के बाद यूएस आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यूएस मिलिट्री ने, और स्टार शील्ड, तो वो भी सो रहे थे एलियो सैटेलाइट्स के मामले में. तो ये चेंजेस हो रहे हैं. हम मैंने सुना हम भी कुछ कर रहे हैं एलियो सैटेलाइट्स वगैरह में. तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण यू नो स्टेप्स हैं. ये हो ही नहीं सकता था अगर वो सिविल मिलिट्री फ्यूजन का हमने सर सिलसिला नहीं शुरू किया. सर ये लो अर्थ ऑर्बिट का सर जो ये सैटेलाइट्स हैं, मतलब व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न वॉरफेयर? मेरी जो समझ है ना, ये इसमें भी एक अलग से शुरू करेंगे स्पेस पे, बट मेरी समझ में कि अभी तक स्पेस में क्या हो रहा था. आप इंडिया का वेरी गुड एग्जाम्पल, वी हैड वेरी गुड प्रोग्रेस इन स्पेस. स्पेस में हमारी काफी क्षमता थी, बट हमने कहा ये बड़े जो सैटेलाइट्स हैं 4A 4B बिग सैटेलाइट्स, उसको मिलिट्री पार्लेंस में कहते हैं फैट जूसी टारगेट्स, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स. नाउ मिलिट्रीज आर रियलाइजिंग कि भाई दे विल गेट नॉक्ड ऑफ, सो दे आर गोइंग फॉर स्मॉल सर्वाइवेबल सैटेलाइट्स. एंड टुडे एलन मस्क इज लॉन्चिंग 42,000 स्मॉल सर्वाइवेबल. चाइना इज लॉन्चिंग 14,000. वी ऑल्सो नीड एलियो सैटेलाइट्स. उससे जो टैक्टिकल सर्वेलेंस है वो परसिस्टेंट मिलती है. वो जो कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड ओवर जो स्पेस का वो करती है, सम कंपनी विच हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू डू यू नो स्पेस टारगेटिंग इन यूक्रेन, मैं नाम भूल रहा हूँ उस कंपनी का, बड़ी फेमस है. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरे जो थिएटर है उसमें 20 प्रायोरिटी एरियाज निर्धारित किए, और वो उन 20 एरियाज में यू नो स्पेक्ट्रल इमेजरी, कलर इमेजरी, टॉप क्लास इमेजरी देते हैं एवरी 2.5 hours. हमारी आर्मी में रीविजिट टाइम्स वर इन वीक्स. So you will not get persistent surveillance. LEO से आपको persistent surveillance मिलेगी. आप देखिए weeks and hours. And अगर आप battle को read कर सकते हैं, you are ahead in the OODA loop, you are ahead in decision making, you have won half the battle. This is how space is important. And this is how startups are important. And all this. अब ये पहले हमारी सोच ही, हमारी क्या सोच थी? Technology हम नहीं करेंगे, DRDO करेगा. उसकी जिम्मेवारी. DRDO से हो रहा था ना. यू हैव टू बी स्टेक होल्डर्स इन दिस. दीज आर द बिग चेंजेस दैट हैव यू नो हैपेंड इन आवर नेशनल सिक्योरिटी. सो लास्ट टाइम जब मैं और आप मिले थे, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ इट इन इंडिया एंड इट्स रोल इन डिफेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. सर उसमें मैंने सर कुछ सेशंस अटेंड किए, मैंने वहां पे कुछ चीजें सुनी, क्वाइट इम्प्रेसिव. और लग रहा था कि हाँ हम AI के ऊपर वी आर डूइंग थिंग्स, दे आर पीपल, दे आर कंपनीज, दे आर स्टेक होल्डर्स. आपने कुछ 2-3 नाम भी बताए हम लोगों को. सर डू यू थिंक कि AI ऑल्सो कैरीज एन इनहेरेंट थ्रेट, जो कि बिकॉज अगर मशीन लर्निंग और AI को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देंगे, देन देर इज अ थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब्स एंड जॉबलेस पीपल, मोर एंड मोर जॉबलेस पीपल इन दिस कंट्री. Is going to be another national security issue. It is going to be another national security problem, isn't it? और ये सर बहुत लोगों का genuine threat है. बिल्कुल बिल्कुल सही है. And see, every day you keep learning. After that thing, I had to give a talk in Alliance University. So I read up. You are absolutely right. See, today we are in a very different moment in AI. अगर हमने AI को regulate नहीं किया, AI will turn out to be more dangerous than nuclear weapons. Yes. अब ये देखिए मैं बताऊँ कैसे. शायद पहले मैंने आपके शो पे बताया है कि 3 प्रकार की इंटेलिजेंस है. एक तो हमारा कार्बन इंटेलिजेंस, सिलिकॉन इंटेलिजेंस ये जो चिप्स पे है, और क्वांटम इंटेलिजेंस. यस, तीनों में बढ़ोतरी हो रही है. चैट GPT लोग कहते हैं इसकी IQ इज 155. एल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ वाज 160. चैट GPT-6 कहते हैं 2 साल में इस IQ विल बी 1550. By 2037, AI's IQ will be 10 billion times more than the human mind. And these are experts across the board. So it is silicon intelligence is going ahead of us.
अभी देखिए इमोशंस की बात करते हैं. सो हाउ एंड डू आई हाउ आर इमोशंस स्टर्ड. आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर हम 10 साल के बारे में सोचते हैं, 10 साल आगे या 2 साल आगे, व्हेन वी लुक इनटू द फ्यूचर, दो इमोशंस हम में पैदा होते हैं. वन कैन बी ऑफ ऑप्टिमिज्म, वन कैन बी ऑन पेसिमिज्म, बट इट इज जनरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस. सो इफ कार्बन इंटेलिजेंस कैन जनरेट इमोशंस, व्हाई विल सिलिकॉन इंटेलिजेंस नॉट जनरेट इमोशंस? न्यूक्लियर वेपन्स में क्या हुआ? न्यूक्लियर वेपन्स 1970 में एक CIA की स्टडी थी जिसने कहा कि आप 50 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन जाएंगे. तो प्रोलिफरेशन हुआ, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी किक्ड इन. आज 9 या 10 वेपन स्टेट्स हैं, हमने कंटेन कर लिया है. AI का भी ये मोमेंट है. अगर हमने कंटेन नहीं किया तो AI इज गेटिंग स्मार्टर, इट इज गेटिंग इमोशनल. अ टाइम विल कम व्हेन AI विल नॉट लिसन टू यू, इट विल सीड कंट्रोल. सो आई एग्री 100% विद एलॉन मस्क जो कहता है मॉरेटोरियम करो, स्टॉप इट फॉर नाउ, सॉर्ट आउट दीज थिंग्स एंड गो, वी आर नॉट डूइंग इट. अच्छा एक और बात, अल्टीमेटली दे से AI विल बिकम स्मार्ट. वो इतना स्मार्ट होगा कि से अ बैड जनरल लाइक मी गिव्स एन ऑर्डर कि गो एंड किल 10 million मैन, AI विल से सॉरी जनरल, जो आपके ऑर्डर हैं वो उसमें दानिशमंदी नहीं है, मैं सोचूंगा क्या करना है. बट दैट इज अनदर. सो इट कैन गो इन ऑल वेज, बट सर्टनली AI is more dangerous than climate change. It is more dangerous than COVID. आपने बिल्कुल सही कहा. पहले धारणा क्या थी? साहब ये जो lower order jobs हैं ये जाएंगे. Microsoft sacked 20,000 workers. Their stocks went up by 200%. AI will attack CAs. It will attack lawyers. It will attack software engineers. तो बिल्कुल एक बड़ी एक राष्ट्रीय सुरक्षा में चुनौती है. और मैंने श्रीधर वेम्बू साहब को सुना है, वो कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जरूरत नहीं है, वी कैन हैव स्मॉलर वर्जन ऑफ इट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स डेवलपिंग. AI पे एक अलग से शुरू करेंगे. बट बिल्कुल जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. बट देखिए वी शुड नॉट मिस्टेक वन थिंग. डिबेट्स क्या हैं? स्पेस में हमारे साथ क्या हुआ? लोगों ने कहा साहब देखिए स्पेस में रिस्क हैं, अपॉर्चुनिटीज. वी गॉट कैरिड अवे बाई द रिस्क एंड वी स्टॉप्ड डेवलपिंग स्पेस कैपेबिलिटीज कमर्शियल फील्ड में और राष्ट्रीय सुरक्षा. उसका जो नतीजा है हम आज तक भुगत रहे हैं. सो वी शुड केयरफुली सी, अगर चाइना AI में आगे जा रहा है हमको भी आगे जाना पड़ेगा. बट जो आपने जो जिन चुनौतियों की बात की उस पर बिल्कुल, इनफैक्ट AI पे एक अलग से शो करें. सर AI इन मिलिट्री, जैसे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है. हमने साहब ने ड्रोन की बात की, द ईरानियन ड्रोन quite efficient, very efficient. Turkish drones, very efficient और low cost. अभी जब उनका mass production होगा तो cost उनकी और गिरेगी. और अभी जो कि वो जो data आ रहा है जो Ukraine और Russia war से, they are अब उसके भी machine learning के through वो सारा data डाल करके उसको और advanced बनाएंगे अपने algorithm को drones के. तो सर कहीं ना कहीं मतलब हमारा तो एक ड्रोन का प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है. आई गेस रुस्तम नाम है उसका, वो सर्वेलेंस के लिए. वो काफ़ी लंबे समय से, फाइनली फिर हमने प्रेडेटर ले लिया कि यार अब नहीं होता तो हम प्रेडेटर ले लेते हैं. तो सर ये जो सारा का सारा जो ईरान में, सर कौन सा प्राइवेट सेक्टर है? विच प्राइवेट सेक्टर डज ईरान हैव? आप ठीक है रशिया में तो है थोड़ा बहुत उनका सुखोई और ये सारा पुराना है, लेकिन बट वो प्राइवेट सेक्टर भी क्या एक तरीके से स्टेट एंटिटीज ही है सारी. तो सर ऐसा भी नहीं कि प्राइवेटाइज हो जाएगा या प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे. क्या डिफरेंट किया है उन्होंने हमसे कि वो सब कुछ सेम सिस्टम होते हुए भी दे हैव टर्नड आउट? और ऐसा भी नहीं कि हमसे बहुत ग्रेट माइंड्स हैं, वी हैव मच ग्रेटर माइंड्स एज कम्पेयर टू ईरानियंस और एनी अदर कंट्री और द सोवियत फॉर दैट मैटर. तो What have we missed? Where have we missed it? Private sector by itself में जादू नहीं है. देखिए क्या है, चाइना में their state-owned companies are far more efficient than perhaps our private sector. So yes. The matter is of efficiency, innovation. चाहे state-owned companies से आए चाहे private sector से. Why we are saying startups in private sector? क्योंकि democracies में ये देखा गया है कि भाई इनोवेशन ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर में से बेहतर आती है. हमारे जो डिफेंस PSUs हैं, मतलब उनकी कोई गलती तो थी नहीं, बट उनको हमने सरकारी मोड में लाए. इतनी सर्विस, ये इक्विलेंस, ये पेंशन रिजर्वेशन, ये सब. सो ऑल दैट हैज टू गो
एंड वी हैव टू सी कि भाई एफिशिएंट मॉडल्स क्या हैं. यू आर राइट एब्सोल्युटली. ईरान हैज बीन फोर्स्ड टू डू इनोवेशन बिकॉज ऑफ सैंक्शंस. सैंक्शंस या तो वो चीजें हो, बट पॉइंट इज अल्टीमेटली दे हैव इनोवेटेड. आप व्हाई शुड गो टू रशिया को जब एमिनिशन की जो कमी महसूस हो रही थी तो किसने सहारा दिया? नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया ने रशिया को जो एमिनिशन दिया वो पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप ना दे सका. यूरोप में पैसे की कमी है. देयर इज द रिचेस्ट कोहोर्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज अनदर पॉइंट. यू सी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस ओवर टाइम हैव बिकम लेजी. अब ये जो हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, आर ट्रेडिशन स्टेट क्राफ्ट, वी हैव टू सी दिस ओनली. जब हम बात करते हैं ना ब्लाइंड कॉपिंग ऑफ वेस्टर्न प्रैक्टिस, हमारी जो DPP है, ब्लाइंड कॉपिंग, ये इफ इट इज नॉट वर्किंग. अरे भाई, अमेरिकन्स आर सेइंग टुडे, अमेरिका, ये जो था ना रूजवेल्ट का आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, यही तो था कि भाई इफ टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूज यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री. टुडे द आर्सेनल ऑफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान इज बेटर देन USA एंड यूरोप. वो तो उनके पास एमिनेशन ही नहीं है. सो इसीलिए वी शुड नॉट कॉपी एंड सस्टेन दैट. और इसीलिए आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोजेक्ट्स में नहीं, ख्याल में भी, कि भाई वॉट इज इन आवर इंटरेस्ट, वॉट विल डिलीवर. एंड द होल थिंग हैज टू मूव फ्रॉम प्रोसेस टू डिलीवरी. इंडिया में बड़ा प्रोसेस, हर चीज में प्रोसेस. इनफैक्ट हमारी जो टैक्स हैं, दे ऑल्सो डिफरेंशिएट, दे डिफरेंशिएट बिटवीन नियम एंड धर्म. वी डोंट ब्लाइंडली फॉलो रूल ऑफ लॉ. हम कहते हैं नियम तो ठीक है, बट धर्म, धर्म इज ऑल्सो आउटकम्स. वेस्ट का है भाई नियम, रूल ऑफ लॉ, चाहे आए चाहे ना आए. इट्स अ डम प्रोसेस. चाहे वो पूरा का पूरा मुल्क जो है ना वो उल्टा क्यों नहीं कर देना हो रहा है यूरोप में. अभी आप देखिए क्या हो रहा है. द रिचेस्ट कोहोर्ट कांट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट रशिया. यस. सो रियली वी हैव टू यू नो लुक एट ऑल दीस थिंग्स. सर वेस्ट में सर एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि मतलब द वेस्टर्न आर्मी, US आर्मी फॉर दैट मैटर, अभी तो वहाँ ये डिबेट चल रही है ना वेदर अ सीनियर ऑफिसर हैज टू कॉल हिज फेलो ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर जेंटल मैन और अ वुमन, ही और हर, यू नो दिस इज आल्सो, आई मीन नो द अदर डिबेट्स आल्सो वेरी, जो आप कह रहे हैं क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड दैट वोक मिलिट्रीज विल नॉट डिलीवर. यस, यू कांट वेस्ट योर टाइम इन दीस थिंग्स. इट हैज टू बी कॉम्बैट एफिशिएंसी, कॉम्बैट डिलीवरी. हम इस चीज में बड़ा समय बर्बाद कर रहे हैं. And sir, I just hope ki, you know, such discussions don't land up here in our country, because sir, this is something that is going to be disastrous. क्योंकि हमने देखा सर ये woke military का जो culture है सर. Yesterday I was, I don't want to, like, I'm not demeaning it, but it's just that ki, army and defense forces should be, you know, left out of all these things. Because army is not supposed to, you know, conduct drag queen competition for, you know, for male soldiers. I mean, आप करिए, यू विल पे कॉन्सिक्वेंसेस. फॉर एग्जाम्पल यूरोप, जब मैं जाता था वहाँ, आई यूज़ टू वंडर, आप कह रहे हैं दे वर मोर लाइक सिविलियंस इन यूनिफॉर्म. तभी तो उनका ये हाल हुआ है. जो भी ये जर्मन जनरल्स का वो जो लीक हुआ है, क्या बेकूफी थी. वन जनरल अटेंडिंग अ एयर शो इन टोक्यो जॉइंस अ कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ्रेंस ऑन वेबएक्स, रशियन स्टेप कर लेते हैं. सो दिस हैपेंस व्हेन यू निग्लेक्ट द मिलिट्री कल्चर. जो विवेकानंद जी की बात थी, the world is also a gymnasium where nations come to make themselves strong. So better be strong in those. Or knowing this, on a lighter note, this general should have been a little more cautious, knowing that Putin has been a KGB operative in East Germany. At least knowing that Putin is there, he should have been more cautious. Absolutely. Being, how wrong they have gone, we have to really see that. Angela Merkel thought that just by getting gas from Russia, tying them up in economic interdependencies, that will secure peace. Aisa to hua nahi. Russia was supplying gas to Europe through Ukraine and paying transit fee and also killing Ukrainians. So economic interdependencies don't buy peace. Right. Abhi Taiwan mein kya ho raha hai? You see, because of neglect of the US military, does seem to me that bhai, US has settled for balancing China and not for retaining primacy. So these are the consequences of neglecting your military. And therefore, I go back to this. Our national security reforms are extremely timely, and we have to see them through to the next phase. Sir, अब हम next phase की तरफ अगर हम बढ़े अभी इसके आगे, कि चलिए प्रधानमंत्री ने एक road map रखा 2015 दिसंबर में, फिर उसके बाद
ये 9 साल में ये कुछ बेसिक जो ग्राउंड वर्क था वो किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और चीज़ें अब मटेरियलाइज होना शुरू हुई हैं. सो 8-9 साल यहाँ तक आने में लगे हैं. नाउ डू यू थिंक इट इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट नाउ कि ये कंसिस्टेंटली इस ट्रैक पे चले विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. बिकॉज हम चीज़ें कर तो देते हैं शुरू बहुत अच्छी. तेजस हमने 1980s में शुरू कर दिया था प्रोजेक्ट, कंप्लीट हम आज तक नहीं कर पाए हैं टू द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैड लीड. कि हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या जो पैरामीटर्स हमने सेट किए थे उस पैरामीटर पर हम अभी तक हमने डिलीवरी दी नहीं है MK2 की. या AMCA हमने कब का शुरू किया हुआ है, वो AMCA आज तक मटेरियलाइज नहीं हुआ, उसका कोई मॉडल भी नहीं बना. तो हम चीज़ें, विजन हमारा अच्छा है, हम चीज़ें शुरू कर देते हैं, स्ट्रक्चर कर देते हैं, बट वो शुरू होने के बाद उसको कंसिस्टेंटली करते रहवाना. सो हाउ चैलेंजिंग इट इज़ गोइंग टू बी एंड हाउ होपफुल यू आर कि ये कितने चांसेस हैं कि ये हो जाएगा. तो देखिए जरा 5 मिनट लेते हैं कि भाई अभी हमने सिर्फ CDSDMA की बात की और आत्मनिर्भर और क्या हुई 3-4 चीजें. मैं कह रहा हूँ सोच और कार्यान्वयन साथ हो रहा है. देखिए उस स्पीच में उन्होंने बात की न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक. फिर क्या हुआ, हमने कहा हमारी जो रणनीतिक सोच है उसमें एक नया सामान्य आएगा, नई मजबूती. क्या वो हुआ बालाकोट और कैलाश? क्या इसकी जो सिग्नलिंग है, इसका जो संदेश है, ये LAC और LC तक नहीं पहुंचा? LC पे उसके बाद और भी जगह कुछ एक्शंस हुए हैं यांग से वगैरह. वेयर वी हैव शोन दैट वी आर नाउ स्टैंडिंग अप, हैज द मैसेज गॉन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बिहेवियर मॉडिफिकेशन. जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनका जो व्यवहार है उसमें बदलाव नजर आया. आई एम टॉकिंग ऑफ दी कॉम्बैट बिहेवियर. देखिए ये स्ट्राइक्स ने क्या किया, इसके हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं. इट वाज आल्सो यू नो पॉलिटिकल विल, एक नया जोखिम का साहस. 90 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर जो बालाकोट में मारा, इट इज रिस्क टेकिंग. These are absolutely new things. They have not happened in the past in such depth. जब 25 साल से आपको ये डाला जा रहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो न्यूक्लियर बम गिर जाएगा दिल्ली पे. Cool. And see, these were absolutely wrong debates. जब कारगिल शुरू हुआ, so when the Air Force was asked to strike on own side of the LAC, हमने कहा था न्यूक्लियर कंफ्लिक्ट. So unnecessarily theoretical debates. और सीधे कि मेरा ये भी मानना है, जो what we achieved in one swift strike would have taken months of tortuous diplomacy to achieve. ये जो त्वरित प्रहार था, swift strike, 5-6 महीने लगते diplomacy की वो करने में. So this, ये एक और एक उपलब्धि है. This, you know, new normals in a strategic outlook. सर एक चीज सर, हमने सर ऑपरेशन पराक्रम, you were part of it, इतना heavy moment हमने किया, इतना पैसा खर्च हुआ उसमें, जा करके आप आई बॉल टू आई बॉल बैठ गए बॉर्डर पे, इतने महीनों आपने स्पेंड करने के बाद, इतना रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के बाद यू केम बैक. आई मीन सर, डोंट यू थिंक कि सर उससे आपकी वीकनेस शो होती है? बिकॉज यार आप मूव कर जाते हो लेकिन व्हेन यू हैव टू एक्ट ऑन द ग्राउंड यू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. उस समय भी हमने बात की मिलिट्री कोर्जन की, उसके बाद फिर पाकिस्तान करता रहा. अब क्यों नहीं हुआ इतने साल? So these messages go down. जब लोग इनकी criticism करते हैं, they are not fair. The message has gone to the Chinese. Yes. But does that mean, as you are saying, कि भाई we can rest on our laurels? No. और चीजें भी करनी हैं. These have gone down. ये जो मैं बात कर रहा था ना दूसरा, कि defence has emerged from the shadows of foreign policy. देखिए उनका एक ये वाक्य था, I think he said it there or somewhere else. या कहीं उसके बाद कहा था केवड़िया वगैरह में कहीं से. देखिए शांति की चाह और शक्ति की राह भिन्न नहीं. वेरी गुड वर्ड्स. द सर्च फॉर पीस एंड द रोड टू पावर आर सिनोनिमस बोथ, एंड द एडवर्सरी मस्ट नो इट. ये भी हमने देखा है, यू नो डिफेंस हैज स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द शैडोज ऑफ वॉर्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रैसिना डायलॉग शेप्स फॉरेन पॉलिसी कॉन्वर्सेशन. चाणक्य डिफेंस डायलॉग जिसमें माननीय जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने संबोधन किया. पहली बार IPAC इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, 33 चीफ्स आए. अब इंडिया इज बिकमिंग द ग्लोबल हब फॉर आइडिएशन एंड फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी. ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जिससे ये सब AI स्पेस वगैरह की बातें हो रही हैं. दिस इज ऑल्सो अ बिग चेंज. आइडिएशन को वी शुड नॉट यू नो
निग्लेक्टेड. जब तक सोच नहीं होगी, सिग्नलिंग, शेपिंग, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है, यू नो, कार्यान्वयन के साथ. तो ये चीज़ें भी हुई हैं. ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग, दो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट स्पीच, बट ये जितना हुआ है गलवान के बाद, जो इन्फेंट्री का मूवमेंट, आर्मर, रिजर्व्स, ये जो हमारे एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स है, इससे जो ISR वगैरह आया है, काफ़ी मजबूती आई है, रिएक्शन वगैरह, एंड नोबडी नोज इट बेटर देन द चाइनीज अक्रॉस. तो ये जो यू नो, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. बट आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, जिसकी हम बात कर चुके हैं, आई थिंक दैट इज़ द सेंटर पीस ऑफ दिस होल रिफॉर्म, वेयर वी आर सेइंग कि भाई हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एंड नॉट ओनली इन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स बट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, आई सेड स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर. और मेरा ये मानना है कि जो चाइना के साथ जो हमारा जो लैग है, उसको अगर हमें कर्न करना है, सो टेक्नोलॉजीज लाइक AI आर द सीक्रेट सॉस. मतलब उसमें अगर हमने क्षमता प्राप्त कर ली और डिजिटल कॉम्बैट में ट्रांजिशन कर लिया, वी विल बी एबल टू कैच अप विद चाइना. इन प्योर बजटरी टर्म्स इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो इन सब चीज़ों की नींव डली है. जो हमारा डिटरेंस है उसमें मजबूती आई है, जैसे निवारण शक्ति में बेहतरी आई है, रिस्पॉन्स ऑप्शन बढ़े हैं, जो आपने ट्रुप्स लगाए हैं LAC में, अभी जो जवाबी विकल्प हैं उसमें भी विस्तार हुआ है. तो ये आप जितनी चीज़ें लें, 6, 7, 8, 9 जो मैंने गिनाई हैं, ये दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बट बिल्कुल आपने एक दो चीज़ों की मैंने बात करनी. देखिए, आत्मनिर्भरता डिफेंस में और क्या हुआ, टाटा एयरबस की डील. इट इज़ चैलेंजिंग, यू नो, द मोनोपोली ऑफ से HAL, जो उनका एक अधिकार था कि भाई एयरक्राफ्ट सिर्फ हमारे. HAL के लिए अच्छा है कॉम्पिटिशन के नज़रिए से. OFB reforms. अब आप देखिए, यूक्रेन में एमिनेशन इज एवरीथिंग, और ये हमारे जो OFB पुराने टाइप का एमिनेशन, फॉल्टी एमिनेशन, बड़ी जो आप चैलेंज कह रहे हैं, वो OFB के सामने क्या चैलेंज है, ये पूरे डम म्यूनिशंस बना रहे थे, दे हैव टू चेंज टू प्रिसिशन म्यूनिशंस, एब्सोल्यूट प्रिसाइज. इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो एक्सप्लोजिव्स का मिश्रण, ऑल दीज चैलेंजेस हैव टू बी डन. बट अगर ये सुधार नहीं हुए होते, शुरुआत ही नहीं हुई, तो आप सोचिए हमारा क्या क्या. सो इन दैट सेंस आई एम सेइंग दे आर, यू नो, एब्सोल्युटली. DRDO रिफॉर्म पे एक थोड़ा सा नज़र और डालना है कि DRDO रिफॉर्म अभी क्या, DRDO का जो रिफॉर्म जो मैंने पढ़ा है उसे क्या हुआ. नाउ DRDO विल डू व्हाट इट शुड हैव डन, मेंटरिंग, यू नो, एक छतरी नुमा पेड़ के समान की भाई दे विल प्रोवाइड द ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, डे टू डे टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर. अभी तक DRDO का क्या ओरिएंटेशन है कि प्राइवेट सेक्टर आना ही नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर हमको दे दीजिए. अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, दिस इज द बिग चेंज. उनकी जो टेक्नोलॉजी काउंसिल बनी है, जो अखबार में आया था, उसमें स्टार्टअप मेंबर्स हैं, कॉरपोरेट मेंबर्स. दीज आर बिग चेंजेस फॉर DRDO. अभी आप जोड़ लीजिए, मैंने जो 5, 6, 7, 8 चीज़ें कही, राष्ट्रीय सुरक्षा में दे आर एब्सोल्युटली, यू नो, गेम चेंजिंग. बट जैसे मैं कहता हूँ, ये सिर्फ नींव डली, और भी कुछ चीज़ें हुई हैं. क्रिटिकल मिनरल्स हमने बात नहीं की उसकी, यू नो, देर कुछ 50-60 मिनरल्स हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स. वो आइडेंटिफाई किए गए, उनके रोड मैप्स, चिप्स में हमारे क्या रोड मैप्स, जैसे जो सेमी कंडक्टर मिशन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा एक सैन्य सेमी कंडक्टर मिशन. अब ये धीरे धीरे करके ये सब जो चीज़ें हैं. सर, नाउ सर, द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ऑल्सो रिसेंटली इन अ पब्लिक रैली, ही वॉज सिटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हुए थे, तो रेवंत रेड्डी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को कि ही सेड कि सर आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, दो ही इज़ फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, ही सेड कि सर यू आर लाइक माई एल्डर ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जो सेमी कंडक्टर्स की फैक्ट्री लगाने की बात केंद्र सरकार कर रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप तेलंगाना में, हैदराबाद में, या तेलंगाना के किसी और ज़िले में लगाएं. एंड दिस इज माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, काबिल लोग हैं. सो नाउ इवन द स्टेट लीडरशिप ऑफ द पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल, दे आर लॉबिंग कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी कंडक्टर का अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो हमारे स्टेट में लगा दे. यही नहीं हो जाए, मैं आपको बताऊँ, अडानी बिल्डिंग एंड एमिनेशन फैक्ट्री, जो UP का जो डिफेंस कॉरिडोर, यस,
वर्ल्ड वॉर टू में एक बड़ी फेमस किताब है, नाम फ्रीडम फोर्ज, रूजवेल्ट रैंग अप द सीईओ ऑफ फोर्ड मोटर्स एंड सेड अगर हमको ये लड़ाई जीतनी है आपको आना है. तो मैं ये मानता हूँ ये जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के सुधार हैं, जो अर्थशास्त्र में हमारा 1990 का लिबरलाइजेशन मोमेंट था उसके समान है. ये सब चीज़ें, ये जो ऊर्जा है, ये जो यू नो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, ये पहले थी नहीं, बल्कि उल्टा नैरेटिव क्या था कि साहब स्ट्रेटेजिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आएगा ही नहीं, स्ट्रेटेजिक दे डिडंट डिलीवर. All these changes give me great hope. We will have a new national security outlook. सर इन लोगों ने देखा है ना सर कि मतलब यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर से AK-40 उसकी AK-203 की जो फैक्ट्री लगी है वो हो या आपकी जो बाकी के सर जो ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में हो रही है एम्युनिशन की, तो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हजारों करोड़ रुपए का. सो नाउ दीज पीपल आई हैव रियलाइज, इवन द अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, यार चलो ठीक है सेंटर की लीडरशिप लड़ेगी, यार हमको तो स्टेट चलाना है ना, तो रिक्वेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर की सर आप हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगवा दो, कोई कह रहा है सर आप वो फला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सर आप हमारे यहाँ करा दो, बिकॉज वो जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे वेन एवर इट विल बी सोल्ड तो CGST के साथ SGST भी तो पे करेंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही लोकल स्टेट में, प्लस टैक्स बेस बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो तो हर एक स्टेट को चाहिए. सो सर आपने जो बात कही सो आई कंप्लीटली एग्री की सर ये ऊर्जा जो है नई ऊर्जा. सर एक लास्ट मेरा सर क्वेश्चन था, एक मैं छोटा सा पॉइंट अभी देखिए अभी आप इसको कनेक्ट करिए. तो हमने शुरू में कहा था दिसंबर 2015 क्या इज इट लाइक द लिबरलाइजेशन मोमेंट इन द इकोनॉमी. यस इंडीड, यू टेल मी ऑन फैक्ट्स. यस ऑन फैक्ट्स मैंने बात की, नैरेटिव बिल्डिंग की, आख्यान की, ग्लोबल हब फॉर आइडिएशन, फॉरेन पॉलिसी. नाउ टेल मी हैज इट हैपेंड विदाउट थिंकिंग. सर हम जितना डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे 2015 में और आज जितना कर रहे हैं अभी देखिए आपने वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. शुभोकली मैं एक बार दोहराना पसंद, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रचनात्मक सुधार, CDS DMA, नथिंग इज परफेक्ट बट हुई है शुरुआत की. ये जो हमने आख्यान के बारे में, नरेटिव बिल्डिंग, रायसीना आम इंडियन आर्मी पैसिफिक चीफ्स कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में पैट्रिक सैंडर्स आए थे यूके वाली, he was saying you see we are the pre war generation, get ready to fight. Wohi baat ek mahine baad Lloyd Austin ne kahi. So all these things matter. Agar uski baat yahan ho rahi hai, we also ye jo maine baat ki new normals in our strategic outlook, Balakot, Kailash, Uri, Atmanirbharta in defense, ye jo empowerment of the military, today military has got much more freedom to talk and speak on these issues. Yes, usse kya hota hai, aatmavishwas badhta hai, accountability भी आती. पहले वी वर, अच्छा ये जो डिफेंसिव क्राउच था, हमने कहा है भाई अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम करेंगे पाला. ये जो सोच थी, मानसिकता में जो परिवर्तन हुआ है, दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज. ऑफ कोर्स वी हैव टू बिल्ड अप नो थिएटर कमांड्स, जो अभी हमने बात की, डिजिटल पाइपलाइंस, मल्टी डोमेन कैपेसिटीज, ये जो सारी चीजें हैं आसान नहीं, बट शुरुआत हुई है बहुत. To me, I don't know why this has not been flagged adequately. These are major national security reforms. From independence, now you tell me, when did we do such reforms in the past? Never. Even the Kargil Review Committee were tampering here and there. This is really big. And sir, वो मतलब it was very evident reading that sir, लेकिन उसमें से कोई structural reform की बात नहीं थी, उसमें ये था कि यार जो कुछ problems थी, वो था like SFC was created, racialization. But sir, वो I mean what we got out of it? Civil military fusion, is it this not a new concept? बिल्कुल चीजें जो हैं, but इसलिए तवज्जो इसको देना चाहिए. See, there may be some valid criticisms. We must take this, criticize it, improve it. And why we must do it, I told you, $50 trillion. Puri jo hamara character and profile, jo hamara charitra hai, usko soch, sab mein badlav aur bhi lana hai. It is not a done deal. It is abhi bade imtihan baki. And China is our proximate neighbor. But if this had not even happened, tell me where would we be. सर मैं तो ये सोचता हूँ इफ दिस वुड हैव नॉट हैव हैपेंड, मतलब हमने जो स्टैंसेस लिए
चाहे वो डोकलाम में हो, चाहे वो गलवान में हो, चाहे कैलाश में हो, मतलब थिंग्स दैट वी डिड, आई मीन वी कुड नॉट इमेजिन. देयर वॉज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन दिस कंट्री नॉट वेरी फार एगो, जस्ट अ डिकेड एगो. ही सेड यार इंडिया चाइना की तो कभी वॉर होनी ही नहीं है, मतलब आई मीन कैटेगोरिकली ही सेड दैट 1962 वाज एन एबरेशन. एबरेशन, यस, दैट्स व्हाट ही सेड. अच्छा देखिए लुक एट दिस, आई एम सेइंग नेशनल सिक्योरिटी नीड्स फर्दर इमेजिनेशन. सी द पावर ऑफ एसिमेट्री. लुक व्हाट द हूथीज हैव डन हियर. Right. मतलब $5 million की मिसाइल्स जो हैं, दे आर पेनिट्रेटिंग 250 billion dollars अमेरिकन सिस्टम्स. पावर ऑफ एसिमेट्री. लोग कहते हैं बजट्स बजट्स आर इंपॉर्टेंट, बट इज एवरीथिंग बजट्स? पावर ऑफ एसिमेट्री. ये क्या आएगी नए सोच? आप ये यंग स्टार्टअप से एक बार जरूर आप इंटरव्यू करो. कहते हैं सर मैं ये जो कॉस्ट है ना 10 times रिड्यूस कर दूंगा. दे टेल यू हाउ इन्फ्लेटेड दीज कॉस्ट आर, जो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट है ऑफ इक्विपमेंट पार्ट्स एंड ऑल. सो इट इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ बजट्स. हर चीज में हम बजट बजट की बात करते हैं. सी देयर आर सम क्रिटिकल क्वेश्चंस. आई विल गिव यू वन गुड पीस ऑफ स्टैटिस्टिक. अभी जो चाइना का डिफेंस बजट निकला, सो देयर डिफेंस आउटले हैज इंक्रीज बाय 7% एनुअली. उनकी जो GDP है इट इज ग्रोइंग एट 4%. आर GDP इज ग्रोइंग एट 7%. We are spending only 2% on defense. And sir, there's one minute. So I asked this question: is China reckless or is India wise? Maybe we are not wise. Can we spend more? Having carried out the reforms, we should now step up spending. But these things should be imagined on facts. It is just not keep a budget. Power of asymmetry bhi hai. Agar Houthi missile bana sakte hain. See, it's a very. I'm quoting Thomas Friedman. He says, you know. Americans had these aircraft carriers. जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी चार एयरक्राफ्ट कैरियर जाते थे, सब चुप हो जाते थे. 1995 ताइवान, पर्शियन गल्फ. इस बार एयरक्राफ्ट कैरियर गए, ईरान ने चार जमीनी कैरियर खड़े कर दिए थे. हूथी, हिजबुल्ला, शिया मिलिशियाज, और चौथा कौन है? हमास. अच्छा उनको ये मिसाइल्स दी हैं. अच्छा हाँ, आप बात कर रहे थे ना वो ड्रोन्स की. इट इज नॉट ड्रोन्स, दे हैव बिल्ड दिस गन मिसाइल ड्रोन कॉम्प्लेक्स. अभी वो क्या करते हैं, दो मिसाइल डालते हैं साथ में 3 drones. जो AD का आर्किटेक्चर है इट कैन आइदर एंटिसिपेट मिसाइल्स और ड्रोन्स. तो अगर दो मिसाइल करता है तो ड्रोन निकल जाते हैं. अब ये जो सोच है हूथीज इरानियंस, वी नीड दिस गन मिसाइल कॉम्प्लेक्स. सो देयर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स. कुछ हमें बड़े ऑनेस्ट सवाल पूछने. रशियन एयर पावर, व्हाई हैज इट बीन अंडरवेलमिंग इन यूक्रेन? Which means, do we need to hybridize our fleets? Maybe fighters ke saath drones. Merely air power will not work. Ab ye honest jo hai, imandari se ye jo questioning hai, ye bhi nahi ho rahi. So in sab cheez, I may be wrong in my deductions, but all these needs to be questioned. So new ideas, innovation. Thought leaders ki jo baat ki thi Pradhanmantri. It is this. Think for yourself. Don't copy the West. I think Mr. Jaishankar kehte hain, badi achi cheez hai. 3 things we must follow. If we have to become Vishwa Guru in the next 25 years. Talent, technology, tradition. Very good point. Talent ki humne baat ki. Technology, game changing. Absolutely. Traditions, look at your own ways. Statecraft, procurement. Don't copy the West. They are flopping models. So that way Indian statecraft must grow. Aur ye nahi hota agar ye confidence nahi aaya hota. आज ऑफलाइन आप बता रहे थे यंग ऑफिसर्स, मिडिल पीस ऑफिसर्स आर थिंकिंग लाइक दे विल पिक अप ऑन दिस चेंजेस दैट हैव हैपेंड. एंड वन थिंग जो मैंने आपसे बाहर भी कहा, वन बिग प्रॉब्लम विद द इंडियन मिलिट्री इज दैट स्टेटस कोइज्म मैस्कुरेड्स एज हाई प्रिंसिपल. यस, स्टेटस कोस हमारी एक जो, एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर इल इंटेंशनड, दे आर लाइक दैट कंजर्वेटिव. उसको हम सिद्धांत में बना देते हैं. सिद्धांत नहीं है, काम नहीं करना है तो सिद्धांतवादी है. एंड आई एम नॉट सेइंग इल इंटेंशन, पर गरे मन से, बुरे मन से नहीं, क्योंकि हमने 5-60 साल से ऐसे किया है तो अग्निवीर नहीं आ सकता. अरे देखो यार, अगर नहीं आ रहे हैं दोबारा चेंज हो जाएगा, बट यू कैन नॉट बी स्टक इन. सो दिस इज व्हाट आई हैव यू नो विश टू से दैट देयर हैज बीन मैसिव चेंज. एंड यू स्पीक टू यंग मिडिल पीस ऑफिसर्स, दे विल आइडेंटिफाई विद मेनी ऑफ दिस. यस. एंड सर दे, मैंने बताया सर, मैं तो गया था, एक फ्रेंड है उनके यहाँ, एंड ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ द अग्निवीर. ही सेड कि यार, मतलब कि यार ये दे आर पुटिंग मोर एफर्ट बिकॉज
दे ऑल वॉन्ट टू बी द बेस्ट बिकॉज सबको उस 50% में रहना है. और बिल्कुल मेरे को तो यार विन 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 हर तरीके से लगता है. जैसे मैंने आपसे कहा वो जो 50 सिवी स्ट्रीट में जा रहे हैं, व्हाई विल पीपल नॉट वांट देम? यू आर समबडी एल्स इज बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ 5 years ऑफ ट्रेनिंग. आपको एक अनुशासन डिसिप्लिन मैन पावर मिल रहा है, फॉर्स टू यू आर गेटिंग टू चूज द बेस्ट. सर समाज भी तो बेहतर हो रहा है, समाज भी बेहतर हो रहा है कि 5 year ट्रेंड बाई द इंडियन आर्मी मैन अगर वो मेरे पड़ोस में रह रहा है तो आई विल फील मच मोर सिक्योर बिकॉज ही हैड द गट्स, ही हैज द ट्रेनिंग, ही नोज यू नो व्हाट टू डू, व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ है उसको. इससे पहले भी हो रहा है. सी व्हेन आई वाज द आर्मी कमांडर आई यूज्ड टू विजिट अ लॉट ऑफ दीस प्राइवेट कंपनीज. आई एम सरप्राइज्ड. हवलदार ले रखा है किसी आर्म्स, वो ये जो स्टार्टअप्स थे वो दे आर डूइंग वेरी वेल. उन्होंने जेएसओस कर रखे हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर है, वो क्या है, इट इज ट्रेन्ड मैन पावर. Now you are getting 5 years concentrated manpower released early. और सर वो खाली जेब उनको भेज भी नहीं रहे. दे आर गिवन सर्टेन अमाउंट वेन दे गेट आउट ऑफ द पार्सल. के बाद अगर निकलते भी हैं उन्हें 6-7 लाख रुपए भी देते हैं. और ये कैलिब्रेट हो सकता है. देखिए वो जो यूनिट कोहेजन वगैरह के कुछ लोग बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. थैंक यू. एंड सर ये अपना सगत और सैम वाला सर, ये सगत सैम एआई साइबर पक्का वादा है, विल डू इट. सो सो टू ऑल द व्यूअर्स आई ट्राइड माय बेस्ट. नहीं नहीं वेरी फेयर. सगत सैम सगत वादा है अगले 10 दिन में करेंगे. ओके सर. अगले 10 दिन. धन्यवाद. थैंक यू सर. हमने व्यूअर्स को बोल दिया था. ओके थैंक यू. थैंक यू.